हाय, वेलकम टू स्कॉलर्स पॉइंट। आज मैं आपको सिखाऊंगी नेशनल इनकम हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी वीडियोस में मैंने आपको नेशनल इनकम इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से सिखाया, मैंने आपको कन्वर्जन भी सिखाया, तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से जब भी आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे GVA MP निकालनी पड़ती है सारे सेक्टर्स की अगर दी हुई है तो। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, मान लो मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, NNPFC फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये प्राइमरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये टर्शरी सेक्टर का है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और ये टर्शरी सेक्टर का। तो हर सेक्टर की सबसे पहले हम GVA MP निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो सबका सम करके हमारे पास आ जाएगा GDP MP। तो जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसका है, ये प्राइमरी सेक्टर का। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस सेकेंडरी सेक्टर का, प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आप कैसे निकालते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हो सकता है ये इस तरीके से सेक्टर वाइज ना दिया हो, सीधा दिया हो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आप सीधा कर सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो आपका GDP MP आ जाएगा। मतलब एक साथ अगर सारे सेक्टर्स का दिया हुआ है तो। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करके दे रखा है तो मैंने भी इसलिए अलग अलग करके सॉल्व कर रही हूँ इसको। तो हर सेक्टर की मैं आप GVA MP निकालूंगी इस फॉर्मूले से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 2000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 1000। ठीक है, ये आ गई हमारी GVA MP प्राइमरी सेक्टर की। इसी तरीके से हर सेक्टर की आ जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1800 और IC है 800 और टर्शरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1400 और IC है 600। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1000 और ये कितना आएगा 800। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2800। ठीक है, तो ये हमारे पास आया GDP MP 2800। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको बोला ना एक बार एक कॉन्सेप्ट आ जाए जो 8 एग्रीगेट्स हैं, फिर उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है NNPFC, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो आ गया हमारे पास GDP MP, इससे बस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टू कैलकुलेट इक्वल्स टू गिवन करके कैलकुलेट क्या करना है, NNPFC करना है और गिवन क्या है हमारे पास GDP MP। तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, लेकिन कब, जब वो फ्रॉम में दिया हो। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में तो टू में दिया हुआ है, अब्रॉड भी बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है तो ये वही है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेकिन ये टू में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब टू में दिया होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यानी कि नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक यहाँ पे हो जाएगा माइनस नेट फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। अब हम इसको पुट कर सकते हैं, GDP MP हमारे पास कितना है 2800, डेप्रिसिएशन हमारे पास कहाँ है, ये रहा डेप्रिसिएशन 80 और नेट फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 40 और NIT 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इजी करने के लिए ये एक साथ सारे प्लस कर लो, 80 प्लस 40 120 प्लस 20 140। ठीक है, फिर अब इसको माइनस करो 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे भी 6, ये आ जाएगा 2660, ये हमारी नेशनल इनकम आ गई। क्लियर, प्रोडक्ट मेथड बहुत इजी होता है, बस इसमें यही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं भी गिवन होता है,
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक नहीं भी हो सकता है तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ज़्यादातर दिया होता है, कई बार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से दिया होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया होता है, तो ये ऑलमोस्ट दिया होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम। तो अब आपके तीनों मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।